जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएँ, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। हम इस वीडियो में बात करने वाले कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। परेशानी कई प्रकार की हो सकती है, किसी को आर्थिक रूप से, किसी को मानसिक रूप से, किसी को पारिवारिक परेशानियां, तो किसी की परेशानियां ये होती है कि अन्य हमसे परेशान है, आपको कोई समझ नहीं पाता, आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझने में गलती हो रही है और मैं सब कुछ है मेरे पास पर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास योग्यताएँ भी है फिर भी मुझे सही मौका क्यों नहीं मिल रहा है। ये सब परेशानियाँ जो हमारे इर्द गिर्द दौड़ती है, ये सब परेशानियों की वजह तमाम चीज़ें अपनी जगह है। देखिए दोस्तों, ये परेशानियां जो है इन्हें एक बार आप 2 मिनट के लिए साइड कर दें और केवल मूलभूत आवश्यकताओं की ओर जरूर ध्यान दें। मूलभूत आवश्यकता, 2 वक्त का भोजन, पेट 2 वक्त का भोजन मिल जाए बहुत है। बस ये सोच अगर आप डाउनफॉल पर जीरो से सोचेंगे, उसके बाद आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, अगर कंडीशन उतनी ख़राब है कि हम 2 वक्त का गुजारा भी नहीं कर पा रहे, तो वो एक कंडीशन ये ज़रूर है कि वो एक अच्छी कंडीशन नहीं है, कि हाँ ये प्राथमिकता है। तो प्राथमिक कंडीशन यदि ऊपर वाली कंडीशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो आप उन्हें तब सोचेंगे कि 2 वक्त हम भोजन कर रहे हैं, अच्छे से जीवन यापन चल रहा है, तो कोशिश करना हमारे हाथ में, फल देना ईश्वर के हाथ। जब आपके पास ये एक पॉजिटिव माइंड सेटअप हो जाएगा दोस्तों, आपके काम करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, आपके नए नए आइडियाज, सब कुछ में बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि आप डाउन टू अर्थ हो जाएंगे, एकदम शून्य पे आ जाएंगे। दूसरी बात है कि कभी भी कंपटीशन अच्छी बात है बाजार में लोगों की ओर, लेकिन हमें कंपटीशन को उस भाव में नहीं लेना चाहिए, हमें केवल हमारा काम करना चाहिए। हम क्या नया करना चाहिए या क्या अच्छा करना चाहिए वो महत्वपूर्ण। ये भावना जो है कंपटीशन की भावना, लोग ये जरूर कहते हैं मार्केटिंग स्टंट, मार्केटिंग के, कि कॉम्पिटिशन से व्यापार बढ़ता है, नए नए चीज़ होते हैं, हम मेहनत करते हैं, तमाम चीज़ें, इससे हमें परेशानियाँ बढ़ती हैं, हमारे दिमाग को लोड बहुत आता है, हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम उस दौड़ में, और जब दौड़ेंगे तो दौड़ अब कब तक दौड़ेंगे, कभी तो आपको रुककर थकना होगा, आपको बैठना होगा, तो ऐसी दौड़ किसी काम की नहीं है, अंत में उसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। इसलिए हमेशा आप अपने काम पर ध्यान दें, उसे दौड़ के तौर पर न लें, नहीं कॉम्पिटिशन के तौर पर लें, हमें केवल और केवल हमें अपना काम बहुत अच्छे से करना है, ये बात को गांठ आपको बांध लेना है। अगर ये बात आप गांठ बांध लेंगे, मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे आर्थिक हालात क्या है, हम धन कहाँ से ला रहे हैं, हम पूंजी कहाँ से ला रहे हैं, हम उस दौड़ में उधार लेकर, इससे लेकर, और फिर बाद में फंस जाते हैं। तीसरी बात है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो विश्वसनीयता और विश्वास, जो आज के युग में खो सा रहा है। तो चंद लोग रखें अपने पास, चाहे 2 रखें, 5 रखें, लेकिन विश्वसनीय रखें, जो ईमानदार रखें। हाँ, विश्वसनीय धोखा दे देते एक अलग बात है, लेकिन कोशिश यही करी जाए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। ओवरऑल बातें आपको कैसे लगी मुझे नहीं पता, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों, परेशानी का जो हल है मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, आप इसे समझे, गहनता से समझेंगे तो आपको अपने आप हर आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।